और आइए आगे बढ़े। बड़ी खबर आपको एमपी के हरदा से हम दे, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ और धमाके के बाद आग वहां पर भयंकर भड़की है। लगातार और भी विकराल रूप लेती हुई आग 100 से ज्यादा घरों तक आग की लपटें पहुंची हैं। 6 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आई है और पटाखा फैक्ट्री धमाके से 59 घायल इस पूरे धमाके में बताए जा रहे हैं। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहत और बचाव का कार्य इस वक्त भी वहां पर चल रहा है। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। सीएम मोहन यादव ने इस हादसे पर बैठक की है, इस पूरे हादसे पर संज्ञान लिया है। और देखिए, जबरदस्त धमाका वहां पर हुआ। अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री जिसमें धमाके के बाद 6 लोगों की जान गई है, जिस वक्त धमाका हुआ और आग की लपटें यहां से उठती हुई आप देख रहे हैं। धुएं का गुब्बार इससे अंदाजा लगाइए कितना विकराल रूप आग ने लिया है। सड़क की तस्वीर, अफरा तफरी का माहौल है आसपास के इलाकों में। धुएं का गुब्बार उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। 100 से ज्यादा घर जो आसपास के हैं वहां पर आग की लपटें पहुंची हैं। जानकारी ये है कि इन घरों में जो लोग रहते हैं उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, जबरदस्त धमाका, और सिर्फ एक धमाका नहीं बल्कि बैक टू बैक एक के बाद एक कई धमाके यहाँ पर हुए। ये धमाका जिस वक्त हुआ उसी वक्त की ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ पर एक के बाद एक कई धमाका होता है, आग की लपटें उठती हैं और पटाखे की ये फैक्ट्री जहाँ पर ये धमाका हुआ, धुएं का गुब्बार किस तरीके से यहाँ पर उठ रहा है वो भी आप देख रहे हैं। अभी तक जानकारी ये है कि इस धमाके में 6 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हैं जिनको आसपास के अस्पतालों में पहुँचा दिया गया है। अब इस पूरे हादसे पर सीएम की नज़र है, दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद। जबरदस्त ये धमाका, आग की जो लपटें हैं वो उठती हुई और धुएं का गुब्बार यहां से उठता हुआ। ये कहा जा रहा है जिस वक्त ये धमाका इस फैक्ट्री में हुआ उस वक्त भी अंदर मजदूर काम कर रहे थे। अब कितने मजदूर अंदर फंसे हुए हैं या फिर उनको निकाल लिया गया है, इसको लेकर जो डिटेल्स हैं वो भी सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता वो है कि जो आसपास के घर हैं उनको खाली करा लिया जाए, जो आसपास लोग रहते हैं उनको सबसे पहले सेफ जगह पर पहुँचाया जाए। जिस वक्त ये धमाका हुआ, धमाके की तस्वीर और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल, सड़क पर गाड़ियां जो मोटरसाइकिल्स हैं वो बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। आसपास 6 लोगों की मौत अभी तक हुई है, 59 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनको आसपास के जो अस्पताल हैं उनको वहां पर शिफ्ट किया गया है, उनमें से कुछ की हालत गंभीर है। सीएम मोहन यादव ने इस पूरे ही हादसे पर तुरंत बैठक बुलाई और मौके पर लगातार दमकल की गाड़ियाँ आसपास के ज़िलों से भिजवाई जा रही हैं। इस बारे में जानकारी उन्होंने साझा की और सभी जो आसपास के अस्पताल हैं वहां पर बर्न यूनिट को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। इसके बारे में उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी साझा की थी। फैक्ट्री गोदाम और फैक्ट्री है पटाखा की, वहां पर सुबह विस्फोट हुआ है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 59 लोग इंजर्ड होने की हमें सूचना मिली है और अभी कंटिन्यूसली रेस्क्यू ऑपरेशन। सर, डेथ की क्या कंफर्म है अभी तक? 6 डेथ की हमें रिपोर्ट मिली है। प्रशासन क्या व्यवस्था की है सर, इन घायलों को कहाँ कहाँ? हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी उपचार करा रहे हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हम भोपाल और इंदौर भी रिफर कर रहे हैं। और आसपास से एम्बुलेंस वगैरह क्या क्या बुलाई? बाकी आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस। तो हरदा के डीएम को आपने सुना, उन्होंने जानकारी साझा की। नितिन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारियों के साथ। नितिन, 6 लोगों की इस पूरे हादसे में जान गई है ये कहा जा रहा है, ताज़ा अपडेट क्या है? जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं वो क्या बता पा रहे हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी वहाँ पर चल रहा है? दीपक जी, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 गोदाम में तो आग लगी थी, एक और जो जस्ट 2 गोदाम के बगल में एक और गोदाम था उसमें भी आग लग गई, यानी कि आग लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन की जो फायर ब्रिगेड वहाँ पर मौके पर मौजूद है, वो आग पर काबू करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आग काबू नहीं कर पा रहा, आग लगातार बढ़ जा रही है। पीछे गोदाम में भी आग लग गई है और सबसे खास बात ये भी है कि जो 6 लोगों की प्रशासन ने पुष्टि करी है मौत की, इसके बाद भी कई वहाँ पर लोगों की जो जमीन पे जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहा है कि लाशें पड़ी हैं, यानी कि वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा प्रशासन, अंदर पहुँच नहीं पा रहा। जैसे अंदर पहुँचेगा इसके बाद उन सबों को बाहर उठाएंगे तब और पता चल पाएगा कितने लोग और वहाँ पर अंदर है। और सबसे ये भी इसमें कि मंत्रालय में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जो आपातकालीन बैठक कर रहे हैं जिसमें एक निर्देश दिया गया है क्लीन कॉरिडोर बनाया जाए, यानी कि इंदौर से लेकर भोपाल तक
जो घायल मरीज है उनको तत्काल अस्पताल भेजा जाए, इसलिए तीन कॉरिडोर के निर्देश दिए गए जो रास्ते रहेंगे उनको खाली करा जाए। जी, घायलों की संख्या इस वक्त क्या है नितिन, और ये मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है? हाँ, घायलों की संख्या तो फिलहाल 35 से अधिक बताए जा रहे हैं, जो जिला अस्पताल हरदा पे भेजा गया है। 35 से अधिक लगातार बढ़ती जा रही है घायलों की संख्या। खासतौर पर ये भी बता दूं कि 7 जिलों से यहाँ पर फायर ब्रिगेड गई है, जैसे नर्मदापुरम है, बैतूल है, खंडवा है, सीहोर है, भोपाल है और छनेरा, ये जो जिले हैं यहाँ से फायर ब्रिगेड पहुँची गई है। वहाँ पर 35 से अधिक एम्बुलेंस को भी भेजा जा रहा है वहाँ पर। ठीक है, आप रहे हमारे साथ नितिन, लौटूंगी आपके पास। जबरदस्त ये धमाका हुआ, आसपास अफरा तफरी का माहौल है और लगातार घायलों की संख्या भी बढ़ रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।